ख्वाजा सिंह सरारी ते उसदे जिहड़े बिल्कुल खास मन्ने जांदे सी तरसेम कपूर, उन्हां दीआं हुण बेटियां सोशल मीडिया ते लड़न लगियां ने। ते इक कोई काफ़ी खान इंसान है, उन्हें बहुत ईरखा है हर एक चीज़ ना, पोस्ट पाई है बेचारे ने, चार घंटे के बीच चार मेरे ख्याल लाइक या चार कमेंट बड़ी मुश्किल ना आते हैं। सिमरन सरारी जी का बयान आता है, मैडम तुसी जरा ये देखो कि उस इंसान की पोस्ट तुहानू कितना ज़्यादा बोदर करती पई है। ईमानदारी ते सच्चाई तो बिना कुछ नहीं है। वो सारे हज़ारा लखा की बराबरी वाले वर्कर है ना, वो बहुत टाइम ही पहला तुहाडे हंकार करके, तुहाडे करप्शन करके, तुहाडे माड़े रवैये करके वो तुहानू छड्ड के जा चुके ने। तो पहली गल तुसी अपना असली चेहरा लगाओ, असली नाम लेके आओ कि तुसी एक पोस्ट देख के बखला के तुसी लाइव आके अपनी पढ़ा स्टडी आ कढ़नी शुरू कर देंगे हो। प्रॉब्लम शेड्स ऑल्सो तुहानू शेड्स लगाउण वाल प्रॉब्लम, अपनी परसनैलिटी दे वो शेड हटाओ, अपना असल जो है चेहरा उन्हें ना लोगों के सामने आओ। मंत्री बना चुके ने तो हास्य वाली गल है कि तुम आप बन जाते बहुत ज़्यादा पछता रही है। अगली बार तो जनता यह गलती नहीं करेगी, तो इस गल की टेंशन ना लो। ज़्यादा बचकानी गल है कि तुम कोई करप्ट बंद फोटो करो, जो कोई थानू सवाल पूछता है कमेंट्स के बीच उदो तुम पछते हुए दिखाई देते हो, कहानी मिल रही शायद जिन्हें पहले। सब तो ज़्यादा चंगी तरह पता है कि का खान की सब तो ज़्यादा आदत जो है ना तुहानू ही है। मंत्री फौजा सिंह सरारी दी वायरल आडियो तो बाद लगातार सियासत हुई, विरोधी सियासी पार्टियां ने हाले तक चुप नहीं कीती। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जेकर इन्ने ईमानदार ने, इन्ने ही कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं तो उसके उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं करते। पर हुण इस लड़ाई दे विच नवां मोड़ आया, हुण फौजा सिंह सरारी ते उसदे जिहड़े बिल्कुल खास मन्ने जांदे सी तरसेम कपूर, उन्हां दीआं हुण बेटियां सोशल मीडिया ते लड़न लगियां ने। लाइव हो के फेसबुक दे उत्ते वीडियो पा के फौजा सिंह सरारी दी सपुत्री सिमरनजीत कौर सरारी ने की कहा, और उन्होंने उस सियासत बारे बहुत सारियां गल्लां कीतियां सोशल मीडिया ते आके, और उसका जवाब फिर शैरी कपूर ने दिता है। शैरी कपूर तरसेम कपूर दी धी है, उसने भी गल्लां कीतियां ने कि हुण तुहाडे नाल खड़दा कौन है, भ्रिष्टाचार होण दे करके उन्हां नूं सारे छड़दे जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी समागम के मौके होण तां हुण फौजा सिंह सरारी के मगर लोग नहीं जुड़ते, लगातार गिणती घटती जा रही है। इन्हां दोवां सियासी जंगां दे विच दोनां दी बयानबाजी सुणदे हां, पहलां सुणाउंदे हां फौजा सिंह सरारी की सपुत्री सिमरन ने की कहा। एक कोई काफ़ी खालू इंसान है, उन्हें बहुत ईरखा है हर एक चीज़ नाल, ते उन्हें एक पोस्ट पाई है बेचारे ने, चार घंटे के बीच चार मेरे ख्याल लाइक या चार कमेंट बड़ी मुश्किल ना आते हैं। तो एक कट की गल कर रहे थे, तो एक कट पहली गल साडा हर एक वर्कर जिहड़ा हजारों के बराबर है, लखां के बराबर है, सानू इंसान की मेहनत को लैके उहदे नाल ईरखा करनी शुरू कर दी तो साढ़े तो वड्डा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। असीं कह के असीं किसी इंसान को कुछ बना सकते हैं, नहीं, इंसान उपर रब लैके जाता है, इंसान नीचे रब लैके आ सकता है। कुछ लोग मेरी पोस्टा ते लिखते हैं अर्श तो फर्श जनता लै जाती है, जनता अर्श तो फर्श, फर्श तो अर्श कर देती है। वाकई जनता फर्श तो अर्श, ते अर्श तो फर्श, दफ्तर तो अंदर ते दफ्तर तो बाहर भी जनता करती है। इस करके कुछ लोग दफ्तर के विचों बाहर ने, क्योंकि जनता नूं बड़ा दुखी किया, ठगियां चल रही सीगियां, शिकायत आदि है, कुछ कहता कि मेरे तो काम ही नहीं हो रहा, मेरे तो मेरे वस की गल, जिन्हों लोगों ने चोरी करनी है, ठगी बेईमानी करनी है, उन्होंने उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्होंने पैसे नाल प्यार भी खरीद लेंदे ने, पैसे नाल बहुत कुछ खरीद लेंदे ने, पर साडे कोल ईमानदारी ते सच्चाई तो बिना कुछ नहीं है। असी ट्रोल करांगे तो पहली गल तुसी अपना असली चेहरा लगाओ, असली नाम लैके आओ, जदों तुसी असलीयत दे विच की हो उस हिसाब नाल असी देखांगे कि मेरे मैनू ट्रोल करन दे लई तुसी वाकई मेरे तो बैटर हो, या तुसी सिर्फ ते सिर्फ एक मोबाइल फोन दी 12 इंच दी 6 इंच दी 4 इंच दी स्क्रीन दे पिछे बैठ के गल्लां कर सकदे हो, कोई भी कर सकदा है। तां जे तुहानू लगदा है कि वाकई बई तुसी जी वाकई फेसबुक दे विद्वानां दी फिक्र नहीं करनी आपां, पर इन्हां नूं जवाब देना बड़ा जरूरी है। तां इही गल मैं फिर दोहराऊं कि एक चीज़ नूं समझ लो कि ईरखा है ना इंसान नूं कदे अगे नहीं लैके जा सकती, ईरखा करके ही तुसीं अज तक अगे नहीं वधे, ईरखा करके ही तुसीं एक रिवर्स गेयर दे विच जा रहे हो, अज जिथे हो तां उत्थे उदों भी शायद पिछे जा सकदे हो। तां कुछ लोग सोचदे ने कि असीं उस इंसान नूं पता नहीं कित्थे पहुंचाता, मैं तुसीं
इंसान कुछ नहीं है करने वास्ते, जिहड़ी कुदरत है ना वह बहुत कुछ देखती है। मंत्री साहब ने अपनी जिंदगी दे विच इन्नी मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तुसी भी करो। जिहड़े लोग झूठे ने ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਠੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਿ ਪਾਈ, ਕੰਮ ਪਾਈ ਫੋਟੋ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਕਿ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਅੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਡਸ ਲਗਾਉਣੀ। ਯੂ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸ਼ੇਡਸ ਆਲਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਡਸ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਕਾਫੀ ਫਨੀ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ 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 ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਧੀਆ ਪਾਊਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੜਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਘਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਪੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਸੀ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
फिलहाल वो वीडियो सुनो जिस दे विच शहरी कपूर ने फौजा सिंह सरारी की धी नूं ठोकवां जवाब सोशल मीडिया के उत्ते दिता। लोकां द्वारा अपने MLA नाल यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है, MLA का भरवां स्वागत किया जाता है। हालांकि इस बार एवें का कुछ भी हुंदा दिखाई नहीं दिता, ना तो दशहरे के मौके पर ते ना ही दिवाली के मौके के उत्ते। मैनू लगता है कि यह जो है लोगों की नाराजगी यह दर्शाती है अपने MLA फौजा सिंह सरारी जी की असफलता। इस तो बाद इनफैक्ट इस तो भी ज़्यादा जो हैरानी की गल है वह यह है कि पार्टी के ही सर्कल इंचार्ज या ब्लॉक प्रधान वो तक शामिल नहीं हुए जो दिवाली का प्रोग्राम जो भी किया गया सी MLA सर दे द्वारा इतने तो इन उत्तों जो ये गल वायरल होंगी है तो सिमरन सरारी जी का बयान आता है। पहला तो किसी की पोस्ट में मैनशन करके कहते हैं कि कोई परसन है वह पोस्ट कर रहा है, उनकी पोस्ट सिर्फ दो चार लाइक्स दो चार कमेंट्स आते हैं। पर मैडम तुम जरा ये देखो कि उस इंसान की पोस्ट थानू कि ज़्यादा बोदर करती पई है कि तुसी एक पोस्ट देख के बखला के तुसी लाइव आके अपनी पढ़ा स्टडी है कढ़नी शुरू कर देंगे हो। फिर इन्हों का कहना है कि साडा एक एक वर्कर जो है वह हज़ारा लखा के बराबर है। तो मैडम जो वर्कर ने हड तोड़ मेहनत की सी, जो शुरू तो नाल चले सी पार्टी के, जिन्होंने तुहानू सपोर्ट किया सी, तुहाडे पिता जी नू शुरू तो सपोर्ट किया सी, वह सारे हज़ारा लखा की बराबरी वाले वर्कर है ना, वह बहुत टाइम ही पहला तुहाडे हंकार करके तुहाडे करप्शन करके तुहाडे माड़े रवैये करके वह तुहानू छड के जा चुके ने। तो तुसी मौका प्रस्त लोगों की एक गल की सी, तो इस वक्त तुसी जो ना सिर्फ उन्हां मौका प्रस्त लोगों द्वारा घिरे हुए हो, तुहाडे आस पास सिर्फ वह मौका प्रस्त लोग जिहड़े आ सिर्फ उही रह गए हैं। फिर एक तुसी गल की सी कि किसी भी इंसान अर्श तो फर्श से तो फर्श तो अर्श से ले जाण वाला सिर्फ रब हुंदा है, जो कि मैं मानती हाँ कि इस दुनिया के उत्ते जो भी हुंदा है उनके उत्ते सिर्फ तो सिर्फ रब की मर्जी चलती है। पर मैडम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुहानू किन्ने कह दिता है, तुहानू एवें महसूस क्यों होया कि रब की मर्जी इत्थे आके खत्म हो गई है? तुहानू की पता कि रब दे अगे की प्लैनस है, है ना? फिर तुसी ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर की गल करते हो, तो किसी के किते इत्थे कोई ऑफिस के अंदर बाहर नहीं होया, हो भी नहीं सकता। पर ऑफिस के विच ठगियां आन करके या करप्ट लोगों की प्रेजेंस करके जो किसी का मन ना करे उन्होंने करप्ट लोगों के नाल काम करन दा, जिन्हें कहने ना कि जमीर किसी का मंजूरी नहीं दिंदा, इसलिए उस जगह नूं उस ऑफिस नूं ठोकर मारनी वह गल एक वक्रे लैवल की है, वह स्टैंड एक वक्रे लैवल का है। फिर कहिंदे कि खाली भांडा जो है वह ज़्यादा खड़कदा है, तो यह बयान सिमरन सरारी जी दे इत्थे भी देखा जाए तो मैं लगता सब तो ज़्यादा वड्डा जो खाली भांडा है ना वो मैडम खुद ने, क्योंकि उन्होंने काम तो बोलते नहीं है पर फेसबुक के उत्ते मैडम अक्सर ही बोलते हुए रौला पाते हुए बहुत नज़र आ जाते हैं। इनफैक्ट मैडम ने एक स्टोरी शेयर की सी अपनी शेड्स की, तो मैं लगता वह भी गल ना शायद लोगों की मैडम समझ नहीं पाए। तो मैडम उन्होंने शेड्स नू पॉइंट आउट किया पर वह थोड़िया अखा के शेड्स नू सिंबलाइज कर रहे सी, असल इशारा उन्हों का सी उन्हां शेड्स वाल जो तुसी अपनी परसनैलिटी के उत्ते पाए हुए हैं, ठीक है ना? तो अपनी परसनैलिटी के वह शेड्स हटाओ, अपना असल जो है चेहरा उन्दे नाल लोगों के सामने आओ। फिर तुसी कह देंदे हो कि ये लोग कहते हैं कि इन्होंने सानू बनाया है ना, ये सानू इत्थों तक लैके आए, ये आप क्यों नहीं बन गए वगैरह वगैरह। तो वैसे ना वो शेड्स की गल लोगों ने ता ही की सी क्योंकि थोड़ा असल चेहरा जानते ने, वो मनते ने उन्हां तों गलती हो गई। लोगों ने तुहानू मंत्री बना के जनता बहुत पछता रही, इनफैक्ट तुसीं कमेंट्स दे विच देखिया ही होना कि जनता बहुत ज़्यादा पछता रही है, तो अगली बार तो जनता यह गलती नहीं करेगी, तो तुसीं इस गल की टेंशन ना लो, अगली बारी देर आर नो चांसिस फॉर यू एट ऑल। फिर मैडम ने बड़ी ही वधिया गल की सी एक भाईचारक सांझ की, चंगी गल है होनी चाहिए है सांझ,
पर इत्थे जिहड़ी विचारधारा की सांझ सानू समझ आ रही है ना, तो कहिंदे ना जिवें चोर चोर मसेरे भाई, तो फिर मैडम विचारां दी सांझ ते आपे बानी जानी सी, मैनूं लगदा नहीं इस तों ज़्यादा कुछ कहिण दी लोड़ है। तो एक तो बड़े ही रूड तरीका तुहाडा बोलण दा, जिवें तुसीं कहिंदे हो घा खाना वगैरह वगैरह। तो मैडम मैं तुहानूं इह वी दसदा कि उह घा खाण दी सब तों ज़्यादा आदत, इनफैक्ट पार्टी वर्करस नूं इह गल सब तों ज़्यादा चंगी तरह पता है कि घा खाण दी सब तों ज़्यादा आदत जो है ना तुहानूं ही है, है ना। क्योंकि जो सच्चे सी, जो ईमानदार सी, उह शुरू तों हुण वी सच दे नाल खड़े ने, अज वी खड़े ने। हालांकि कलयुग है, कलयुग दे विच हर किसी दे वास्ते गल नहीं हुंदी है कि उह सच्चाई दे नाल खड़ा होवे, उह ईमानदारी दा साथ देवे। इनफैक्ट फेसबुक दे उत्ते पोठे मारन वाले बहुत ज़्यादा मिल जांदे, ते हासे दी गल इह है कि तुसीं जदों अपने कमेंट्स रीड करदे हो ना, तुसीं उदों कमेंट्स वी उही रीड करदे हो जिन्हां ने पोठे मारे हुंदे आ, इहदा साफ पता लगदा कि तुहानूं घा खाण दी आदत किन्नी ज़्यादा है। फिर जदों कोई तुहानूं सवाल पुछदा है कमेंट्स दे विच, उदों तुसीं भजदे होए दिखाई दिंदे हो, उदों तुसीं अपने औरत होण दा फायदा चक के कह दिंदे हो कि मैं ते औरत हाँ। देखो मैडम, औरत मैं भी हाँ, औरत दी इज्जत सम्मान किवें होना चाहिए, रिस्पैक्ट होनी चाहिए, मैं भी मनती हाँ।